ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है। माझ्याकडे उत्तर आहे, ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, त्याला मला सांगा की हे पद सोडायला तुम्ही। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है। शिवसेना के कद्दावर नेता एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी शासित राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी शिवसेना के विधायकों की वो फौज पोज दे रही है जो कल तक उद्धव ठाकरे की वफादार हुआ करती थी। इसमें कुछ निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। पहले इनकी संख्या 30 बताई जा रही थी, फिर ये 35 हुए, इसके बाद 40 और अब इनकी संख्या 46 तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के सियासत के कई दिग्गजों के पैरों तले जमीन को खिसकाने वाली है। और महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे को, महाविकास अघाड़ी को ये तस्वीर दिखाने वाले, जोर का झटका धीरे से देने वाले राजनीति के दो खिलाड़ी, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और कभी उद्धव ठाकरे के करीबी रहे और अब बागी हुए एकनाथ शिंदे। इन दो खिलाड़ियों में से पहले खिलाड़ी एकनाथ शिंदे अपनी टीम के साथ फ्रंट पर बैटिंग कर रहे हैं और अब एकनाथ शिंदे की योजना सिर्फ उद्धव ठाकरे को सत्ता से बेदखल करने की नहीं बल्कि शिवसेना पर कब्जे की भी दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब शिवसेना के बागी शिंदे गुट ने पार्टी पर कब्जे का दावा किया और इस संबंध में गुवाहाटी में बैठक कर शिंदे गुट के विधायकों ने एक प्रस्ताव भी पास किया। दरअसल शिंदे गुट 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ हुए गठबंधन वाले फॉर्मूले पर आगे चलने की सहमति जताई और इसके बाद शिंदे गुट के विधायकों ने एक चिट्ठी राज्यपाल, विधानसभा के उपाध्यक्ष और विधानसभा के सेक्रेटरी को भी भेजी जिसमें यह लिखा गया था कि एकनाथ शिंदे को इस विधायक दल का नेता चुना गया है और मुख्य सचेतक को बदल दिया गया है। इस चिट्ठी पर 34 शिवसेना विधायकों के हस्ताक्षर भी मौजूद थे। इस चिट्ठी के जरिए जानकारी दी गई है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना विधान मंडल दल के नेता हों। भरत गोगावले को चीफ व्हिप बनाया गया है। भरत गोगावले ही 2019 में चीफ व्हिप थे जब बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर विधानसभा चुनाव जीता। इसके अलावा सुरेश प्रभु को चीफ व्हिप से हटा दिया गया। चिट्ठी में शिवसेना पर विचारधारा से हटने का आरोप लगाया गया है। वहीं सहयोगी पार्टी एनसीपी के नेता नवाब मलिक और अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र भी है। इस चिट्ठी में बीजेपी के साथ प्री पोल अलायंस की भी जानकारी दी गई है। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे के तेवर बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ उनके किसी भी समझौते के रास्ते अब बंद हो चुके हैं और अब सरकार के साथ साथ वो शिवसेना पर कब्जे के भी फिराक हैं। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक खेल के दूसरे बड़े खिलाड़ी इस वक्त पर्दे के पीछे। देवेंद्र फडणवीस मुंबई से उड़कर दिल्ली गए, आला कमान को राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी दी, दिल्ली से उड़कर वापस मुंबई पहुंचे, अपने दूतों को मुंबई टू गुवाहाटी भेजा और अब खुद बीजेपी विधायकों के साथ मिलकर आगे की रणनीति बना रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से मौजूदा संकट पर अब तक कोई बयान नहीं दिया गया लेकिन जो कुछ आज महाराष्ट्र की सियासत में हो रहा है उसकी तैयारी के संकेत देवेंद्र फडणवीस ने 1 दिसंबर 2019 के दिन महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर ही दे दिए। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। और आज समंदर वापस लौट कर आने की कगार पर खड़ा है। महाराष्ट्र की सियासत में जो नए समीकरण बन रहे हैं उसमें फडणवीस नए मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। एकनाथ शिंदे के बीजेपी के साथ हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी केमिस्ट्री काफी पुरानी है। देवेंद्र फडणवीस सरकार के कार्यकाल में एकनाथ शिंदे को लगभग 1.5 लाख करोड़ की अलग अलग
परियोजनाएं जो है उसका मुखिया बनाया गया उनके एमएसआरडीसी मिनिस्ट्री के तौर पर। और इतना ही नहीं, जो वो नगर विकास मंत्रालय देख रहे थे उसमें भी पूरी तरह से फ्री हैंड मिला। चलिए अब आप ये भी समझिए किस तरह फडणवीस ने महाराष्ट्र में चमत्कार करके सत्ता पक्ष को हिलाकर रख दिया। पहले महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों में से 3 बीजेपी फडणवीस के गेम प्लान की वजह से ही जीती। इसके बाद विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी के 5 उम्मीदवार जीत गए। इन 2 जीतों के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस चाणक्य बन गए। राज्यसभा के चुनाव के नतीजों के चलते विपक्ष में देवेंद्र फडणवीस को लेकर दहशत बढ़ गई। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसी चाल चली कि सरकार और शिवसेना में हड़कंप मच गया। इस बीच विधान परिषद के चुनाव के नतीजे आने से पहले ही एकनाथ शिंदे के बगावत की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। इस बीच शिंदे अपने समर्थकों के साथ मुंबई छोड़कर सूरत के लिए रवाना हो गए, लेकिन सरकार को खबर तक नहीं लगी। फिलहाल इन 2 खिलाड़ियों के चक्रव्यूह में घिरे उद्धव ठाकरे ने इमोशनल कार्ड खेलते हुए शिव सैनिकों से गद्दारी ना करने की अपील की, साथ ही इस्तीफे तक की पेशकश कर डाली। या समोर बसा, मी देतो राजीनामा, चला मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्यांना गायब करून गायब केलेलं आहे त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवन मध्ये जावं। मी का नाही जात, कारण मला कोविड झालंय। उद्धव की ये अपील बताती है कि नंबर गेम में वो पिछड़ गए। अब कोई इस भावुक अपील को उद्धव की आखिरी कोशिश बता रहा है, कोई अपने कैडर को दिया गया संदेश बता रहा है, तो कोई एग्जिट प्लान। और इस पूरे राजनीति खेल में उद्धव के खिलाफ खड़े फडणवीस और एकनाथ शिंदे का पलड़ा ही भारी नजर आ रहा है। अश्विन पांडे और शिवांगी ठाकुर के साथ विशाल भारद्वाज, जी मीडिया, मुंबई। और देश हित में इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का बड़ा बयान, शिवसेना बहुमत साबित करे। दानवे ने कहा कि उद्धव सरकार इस्तीफा दे और बीजेपी के संपर्क में कोई विधायक नहीं है। राव साहब दानवे का बयान कि बीजेपी के संपर्क में कोई विधायक नहीं है और शिवसेना को बहुमत साबित करना चाहिए। ये लोकशाही का संकेत है, जब भी बहुमत नहीं होता है तो मुख्यमंत्री रिजाइन कर देता है। अब इनकी जिम्मेदारी है कि अगर बहुमत एक तो साबित करे, या तो अगर उनके पास संख्या नहीं तो रिजाइन कर दे। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।